हेलो जी गाइस, राम राम। तो भैया करवा चौथ व्लॉग की सुबह कर दी थी शुरुआत। जी हाँ, छोटी छोटी क्लिप निकाली थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप कि आप सभी का करवा चौथ बड़े अच्छे से मना होगा, करवा माता सभी की मनोकामना पूरी करे। रात को ही मैंने मेहंदी लगवा ली थी, 11 बज गई थी भैया, क्योंकि ये गुड़िया थोड़ा लेट आई। बहुतों की मेहंदी लगाई थी इसने और मेरी मेहंदी का कलर ये आया, बताना कैसा लगा। और उसके बाद ये कल लेके आए थे एक दिन पहले साड़ी, ये अपने मामा के घर गए थे, आते टाइम रोहतक से सिलना दे रखा था ब्लाउज और फाल लगनी दे रखी थी, तो रेडी होगी मेरी साड़ी आ गई थी। और मम्मा इसमें क्या है? इसमें देखो, और बच्चों को खाने पीने की चीजें मिलते ही इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। तो बताना गाइज, इस तरह से ब्लॉग शेयर करते हुए अच्छे लगते हैं आपको, या फिर वो फुल ब्लॉग, ये जरूर बताना। तो मैंने मांग टीका मंगवाया था ऑनलाइन, वो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे, और साड़ी का लुक के साथ मतलब एक अलग ही ग्रेस आती है मांग टीके के साथ, है ना। उसके बाद ये नेकलेस था, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था जो कि बहुत ही प्रीटी था। और पहनने के बाद ये मेरा लुक आपको कैसा लगा? मेकअप मैंने सिंपल सा ही किया था, भर भर के नहीं किया ज़्यादा। तो मेरा ये फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नेकलेस के साथ काफ़ी अच्छा लगता है ना, एक अलग ही लुक हो जाता है। फिर हमने सास बहू ने कहानी सुनी एक साथ बैठ के, दादी को बहुत मिस किया भैया। हर एक दिन भी नहीं जाता कि जब हम दादी की बातें ना करते हों, क्योंकि भैया बड़ी बूढ़ी का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, और कई चीज़ों में बातों बातों में काफ़ी याद आती है। तो ये छोटी सी फिर हमने यहाँ पर फ़ोटोशूट किया आशीर्वाद लेते हुए कुछ इनके साथ। हमारा फोटोग्राफर थोड़ा कच्चा था इस वजह से थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को ऐसी दिख रही होंगी, थोड़ी क्लियर सी नहीं आई थी, बाकी फ़ोटो बहुत अच्छे अच्छे आए थे। तो बस ये मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक था। उसके बाद फिर हम पूरे घर परिवार कुनबे में गए थे भैया, सबके पैर छू के आई, मतलब 2-3 साल के बाद मैं यहाँ पर अपना करवा चौथ मना रही हूँ। घर पे हर त्यौहार मनाने की अलग ही खुशी होती है ना। फिर ये ले आए थे मिठाई, और मैंने फिर भैया ये पनीर मटर पनीर लेके आए थे, तो उसकी सब्जी बनाई। तो रात का खाना जल्दी जल्दी बना दी, क्योंकि चांद अब की बार बहुत जल्दी निकल आया था ना, 8:15 बजे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी सच में, और कलर आप देख सकते हो, सब्जी देख के आप बता सकते हो कि सच में टेस्टी बनी होगी। रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही रखी है। फिर मैंने अपनी पूजा की थाली को तैयार किया, जी हाँ, सिंपल तरीके से। और इस ये मेरा थाली के साथ फाइनल लुक। जब भी पूजा करते हैं तो सिर पे पल्ला लेना बहुत ज़रूरी होता है, और पल्लू के साथ मतलब ये देखो आप कैसा लग रहा है, मतलब मेरी साड़ी की ना हर एक जिसने भी देखा सब ने बहुत तारीफ़ की कि भैया साड़ी, और मेरी भी तारीफ़ की कि पहले से पतली हो रही हूँ, अब तो फिगर बना गई। फिर हम छत पे आ गए थे, मतलब चांद निकल आया था जल्दी ही, फिर चांद को पानी दिया। मैंने तो 9:45 बजे दिया था भैया, बताना आपने किस टाइम से दिया, हालांकि 8:15 बजे निकल आया था चांद, और हमारे यहाँ फोटोग्राफर ने फिर गलती कर दी थी। उसके बाद मतलब फ्लैश होनी नहीं की थी, मेरा ध्यान पूजा में था, मैंने सोचा नहीं बार बार, फिर मैंने दिखावे के लिए वो क्लिप निकालना ठीक नहीं लगा मेरे को, लगा जैसे निकल गए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो वीडियो के लिए अलग से क्लिप निकालना मेरे को नहीं अच्छा लगा। मैं क्या चलो जैसे भी अच्छे से पूजा हो गई है, पूजा के बाद फिर इन्होंने व्रत खुलवा दिया था, तो वही है, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटा सा पीस मुझे खिलाया, बाकी आप लपेट गए। तो फिर मैंने पत्नी धर्म निभाते हुए पति परमेश्वर के चरणों को से आशीर्वाद लिया, और इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया गाइज, ये नोज पिन, आप लोगों को पता ही है मेरी नोज पिन टूट गई थी, तो इन्होंने काफ़ी दिन पहले ही दे दिया था, बोले ये तेरा करवा चौथ का गिफ्ट होगा। मैं कह हाँ सस्ते में निपटान लाग रहे हो, और मतलब धोखा हो गया, ये तो वैसे भी लेके आनी थी, लेकिन ये बोले नहीं, फिर मेरे को और भी गिफ्ट मिलेगा, वो मैं बाद में दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरे को ही नहीं पता क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये बस इस प्रकार से हमारा करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ। आई होप कि आप लोगों ने भी ऐसी हंसी खुशी आपका व्रत पूरा किया होगा। बाय बाय, मिलती नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।